na dobara. ये रही आपकी चाय। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा, हमेशा सुखी रहो। आपकी दुआएं ही तो खुश रखती हैं मुझे माँ। बेटा मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। फिर शुरू कर दी ना अपने ऐसी बातें। तुम्हें पता है पिछले दो दिन से ना तुम्हारे अब्बा मुझे ख्वाब में आ रहे हैं। भाई मैंने तो कह दिया मैं इतनी जल्दी आने वाली नहीं। हाँ ना करे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप ये? बेटा एक ना एक दिन तो सबको ही जाना है, बस अल्लाह से इतनी दुआ करती हूँ कि मुझे इतनी मोहलत जरूर दे कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर में सुखी देख सकूँ। वैसे भी तुम तो अमानत हो हमारे घर में किसी की। बस अम्मा आप तो मुझे घर से निकालने के बारे में ही सोचती हैं। बेटा घर से निकालने के बारे में नहीं सोचती, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ससुराल की हो जाओ। अच्छा मैं नाश्ता बनाती हूँ, सहर भी आती होगी अभी, अगर चची जान उसको उठाने में कामयाब होगी। सहर, सहर, उठो सहर। रोज का तरीका है तुम्हारा और फिर सुबह देर से उठना और बिना ढंग से तैयार हुए ऑफिस निकलना। अरे हजार मर्तबा समझाया है कि जाज़बे नजर और पुरकशिश नहीं दिखोगी तो कोई तुमसे ढंग से बात भी नहीं करेगा, शादी ब्याह तो दूर की बात है। ए बीबी सुन रही हो क्या कह रही हूँ मैं? सुन रही हूँ अम्मी। आजकल तो रिश्तों का काल पड़ा हुआ है, अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां घर बैठी हुई हैं और एक ये है सोती पड़ी है, किसी बात की फिक्र ही नहीं है। अब उठोगी भी या नहीं? फिर कहोगी कि ऑफिस लेट से पहुंच पाती हूँ मैं। अम्मी शादी के अलावा भी कभी किसी टॉपिक पे बात कर लिया करें आप, बस के धक्के खाते हुए ऑफिस जाओ फिर आपकी फरमाइश है, ऊंची हील्स पहन के जाओ, फ्लैट चप्पलें पहनने से लड़कियों का कद छोटा लगता है। हाँ तो भला इसमें कौन सी बुरी बात है? हाँ भाई लोग ऊंचे खत की लड़कियों को पसंद करते हैं, लंबी लड़कियों की शादियां निस्बतन जल्दी हो जाती हैं। अम्मी एक तो आपकी हर बात शादी से शुरू होकर ना शादी पे खत्म हो जाती है, ऐसे जैसे किसी जंग की तैयारी हो रही। एक तो वो एक गाड़ी नहीं खरीद सके, बंदा आराम से कौन से गाड़ी में ही चला जाता है ऑफिस। तो ये तो इस घर में पैदा होने से पहले सोचना चाहिए था। हम मिडिल क्लास लोग हैं, तुम कोई बड़े अमीर बाप की बेटी नहीं हो। दुआ करो खुदा हमारे दिन भी फेर दे, लेकिन लगता नहीं ऐसा होने वाला है। पिछले 30 साल से तुम्हारे अब्बू वही एक वीडियो की बसीदा दुकान चला रहे। माना कि
शादी ब्याह के सीजन में लोगों की शादी की वीडियो बनाने का अच्छा खासा काम मिल जाता है, लेकिन बाकी साल तो वही मांदा गुजरता है। अरे सहर, तेरी शादी में तो हमारी वीडियो का खर्चा बच जाएगा। ओफो, मुझको देखो, मैं तो बात तो नहीं लगी। वो फरहान को भी उठाना है मुझे। तुम दोनों बहन भाई ना बिल्कुल एक जैसे, ना तुम कभी दफ्तर टाइम पे पहुंचती हो और ना वो कभी यूनिवर्सिटी टाइम पर खत्म करके दुकान पर पहुंचता है। दोनों औलादों ने माँ बाप का नाक में दम कर रखा है, अब उठ जाओ। जी अरे अरे, कहाँ भागी जा रही हो तुम? अरे और ये क्या, ना आंखों में काजल, ना बाल ढंग से बनाए हुए तुमने, ये कैसा हुलिया लेके तुम जा रही हो? अब नीचे से ही नीचे तुम ऑफिस चली जाओगी। कितनी बार तुम्हें समझाया इस हुलिये के साथ बाहर मत निकला करो। वहां चार लोग होते हैं, वो क्या सोचेंगे तुमको देखकर कि इस लड़की को घर से निकलने की तमीज नहीं। अम्मी कभी ऐसे गई हूँ मैं ऑफिस? इस हुलियों में जाती हूँ क्या मैं बाहर? वो तो बस तहजीब के पराठों की खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा मैं पहले नाश्ता कर रहा हूँ, फिर मैं ऊपर आके तैयार हो जाऊंगी ऑफिस जाने के लिए। आप तो ना देखे बगैर बोलना शुरू हो जाती। क्यों, तुम्हें घर में कुछ नहीं मिलता खाने को क्या? कभी घर पर भी खा लिया करो, जब देखो तुम और तुम्हारा भाई नीचे वालों के इर्द गिर्द मंडलाते रहते। अम्मी ये नीचे वाले क्या होता है? कितनी दफा आपको कहा है कि ताईजान और तहजीब कहा कर, और आपको हमेशा से पता है मुझे नीचे जाके तहजीब के साथ नाश्ता करने की आदत है, लेकिन आप हर रोज बिला नाहा मुझे टोकती हैं सीढ़ियों। अभी मैं जा रही हूँ, अम्मी तहजीब मेरा इंतजार कर रही। अरे सुनो तो। अम्मी वापस आके सुनूंगी, अभी मुझे नीचे जाके नाश्ता करना है और फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार भी होना है। बाय। चाल है जो एक लड़की कभी घर पे भी टिक जाए, जब देखो ऑफिस या तहजीब, ऑफिस या तहजीब, ये लगे इसके पैरों में। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो। अरे बेटा फजर की नमाज तो पढ़ ली ना? नमाज वो टाइमा वो आज भी इतनी देर से आंख खुली, कल से पढ़ूंगी पक्का वादा। ये शैतान है ना बदतमीज, रोज मेरी नमाज कजा करा देता। अच्छा अच्छा छोड़ो, ये बताओ नाश्ता कर लिया? कहा था ये माँ, आपकी बेटी कब टाइम पे मुझे नाश्ता पूछती है? है? क्या मजाक कर रही हूँ ताई माँ, तहजीब तो बहुत अच्छी है, देखे तो कैसी जबरदस्त खुशबू आ रही है। ये कौन है जो मेरे बगैर नाश्ता कर रहा है? आ जाओ, अभी किया नहीं है, बिल्कुल ठीक वक्त पर आयो। कर भी लेते तो कौन सा हजम हो जाता। आ गया मेरा शहजादा, है तो मेरा प्यारा वाला बच्चा है, है? ठीक है ताई माँ, सब देख रही हूँ। अरे क्या देख रही हो? अरे तुम मेरी जान हो, तुम तो गुड़िया हो मेरी। हाँ पर वो अलग बात है कि ताई अम्मा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। क्यों तहजीब जी? अरे तुम दोनों भाई बहन हर चीज में मुझे क्यों रेफरी बना लेते हो? अच्छा अच्छा जल्दी से नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। लोग बहुत एडवांस हो गए, अब तो लड़की वाले पहले से लड़के वालों को बता देते हैं कि वो शादी के बाद क्या क्या दे रहे हैं। अरे रही बात लालच की, तो ये बात ना भूले कि लड़के वालों का पड़ला हर जमाने में भारी रहा है। क्या बात है यार, तू सुबह सुबह की फोन कर रहा है क्या? क्या रहा बच, मेरी आंखें नहीं खुली। हाँ ऑफकोर्स ऑफिस जाऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज, कैंसिल कर दो। लेकिन क्यों, किससे मिलवाना है? पार्टी में देखा था। I mean, how would I remember, यार? हाँ हाँ ऑफ कोर्स यार, बता तो सही मिलना किससे है? Alright, calm down. मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। I'll meet. मिल लूंगा, मिल लूंगा। Okay, bye.
आजकल ऐसे किस्से सुने हैं कि दिल में खौफ सा पैदा हो गया है। भला खौफ कैसा, आखिर वो भी तो माँ बाप हैं जो अपनी तीन तीन चार चार बेटियों को रुख्सत करते हैं। कमाल करती हैं आप भी, एक बेटी को रुख्सत करने में इतना डर रही हैं। क्या करूं, बेटी की माँ हूं ना, वहम तो आते ही है। बस हमें तो एक शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का चाहिए अपनी तहजीब के लिए। शादी ब्याह का चक्कर भी ना गोल गोल घूम रहा है, हर कोई बेहतर से बेहतर के पीछे भाग रहा है। सब खुदा का, शादी ना हुई दौड़ का मुकाबला हो गया। एक हमारा दौर था जब डोली आराम से एक आंगन से दूसरे आंगन में पहुंच जाया करती थी, और अब मजाल है कि जरा से भी लोग मुखलिस रहे हो। अरे अब आपका जमाना नहीं रहा, लोग बहुत एडवांस हो गए। अब तो लड़की वाले पहले से लड़के वालों को बता देते हैं कि वो शादी के बाद क्या क्या दे रहे हैं। अरे रही बात लालच की, तो ये बात ना भूले कि लड़के वालों का पड़ला हर जमाने में भारी रहा है। अरे जानने का हक तो है ना, जेज में क्या क्या दे रहे हैं, आखिर कमाओ पूत लड़का दे रहे होते हैं। और हम जो अपने जिगर का टुकड़ा अपनी शहजादियों की तरह पाली हुई लड़की उन्हें सौंप रहे हैं, क्या वो किसी गिनती में नहीं? इस बात की फिक्र नहीं है मुझे, इंशाल्लाह जहेज हम अपनी हैसियत से बढ़कर देंगे। लेकिन लड़का, लड़का मेरी तहजीब के जोड़ का होना चाहिए, उसकी उम्र का होना चाहिए। माफ कीजिएगा लेकिन आपकी बेटी की उम्र भी कोई खास छोटी नहीं है। 26, 27, 28 की लड़कियाँ तो पक्की उम्र की कहलाती है। अरे ये तो लड़की की किस्मत ही होती है, कोई अच्छा बरसरे रोजगार लड़का उसे मिल जाए, वरना आजकल तो एक लड़के के लिए 10-10 लड़कियों के रिश्ते पड़े हैं, वो भी एक से एक हसीन। मतलब ये कि कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। मगर मेरी तहजीब तो भी 26 साल की हुई है। मगर आपा आजकल लोगों को 18 साल की लड़कियां चाहिए होती हैं। फिर भी एक रिश्ता है मेरे पास, पर लड़के की शक्ल ना कुछ वाजबी सी है। और मैं तो कहती हूँ कि देख लेने में कोई हर्ज तो नहीं है, अगर आप कहें तो मैं ले आऊं उन लोगों को। कब? मगर वो शरीफ हो। आप इसकी फिक्र ना करें, वो मेरे देखे भाले लोग हैं। बस आप ना चाय का अच्छा सा इंतजाम कर लेना और मैं कल शाम को ही उन लोगों को ले आऊंगी। खुदा हाफिज। सुबह मैंने आपसे कहा था कुछ पैसे चाहिए मुझे। अरे अरे जवाब दीजिए, कुछ पूछ रही हूं मैं आपसे, बताइए ना। क्या मुसीबत है, दिन में घर आकर खाना खाना मुश्किल कर दिया तुमने मेरा। मैं तो सिर्फ इतना कहा है कि कुछ पैसे चाहिए मुझे, बाजार जाना है, जरूरी सामान खरीदना है। जानता हूँ मैं क्या जरूरी सामान लेना है तुमने, फैशन मेकअप का सब सामान जरूरी है तुम्हारे लिए। फालतू पैसे नहीं है मेरे पास इन फजूल चीजों के लिए। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि घर का खर्च चल सके, तो वक्त की रोटी नसीब हो सके, फरहान की फीस जा सके। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर की जिम्मेदारियाँ सभी मर्द उठाते। इंसाफ से कहो, कभी मैंने अपने फराइज से कोताही की है क्या? महीने की पहली तारीख को अपनी दुकान से होने वाली सारी आमदनी लाकर तुम्हारे हाथ पर नहीं रख देता। बस करो जी, भाई दुकान का किराया और तुम्हारे लड़कों की तनख्वाहें देने के बाद बचता ही क्या है घर लाने के लिए। रिस्क और पैसा औरत के नसीब से आता है, मर्द का काम है मेहनत से कमाना, और मैं कमाते कमाते बूढ़ा हो गया, लेकिन तुम्हारे ये फैशन कपड़े लत्ते खत्म नहीं हुए। जा रहा हूँ मैं दुकान। अरे जानने का हक तो है ना, जेज में क्या क्या दे रहे हैं, आखिर कमाओ पूत लड़का दे रहे होते हैं। अम्मा किन सोचों में घुमे आप? कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे अब्बू की पेंशन मिल जाए ना, तो मैं तुम्हारे लिए सोने के थोड़े से जेवर खरीद लूं। वैसे मैंने कुछ जेवर बना के रखे हुए तुम्हारे लिए,
ये सब की क्या जरूरत है? वैसे भी कौन सा जेवर पहनती हूँ अम्मा? अरे बेटा, शादी के बाद तो पहनना पड़ेगा ना, दावतें होंगी, आना जाना होगा। लेकिन मैं तो दावतों में जाती भी नहीं हूँ। तो जाया करो ना बेटा, इसी तरह तो मिलने से मेल मिलाप बढ़ता है। बात तो आप ऐसे कर रही हैं जैसे मेरी शादी कल ही हो रही हो। इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी, लेकिन इंसान को अपने तरीके पे तैयारी करके रखनी चाहिए। देखो बेटा, लड़की की इज्जत ना जेवर से और जहेज से होती है ससुराल में। लड़की की इज्जत उसकी सीरत और उसके किरदार से होती है अम्मा। और वैसे भी ये जहेज लेने वाले लोग इंतहाई छोटे दिल के लगते हैं मुझे। ठीक है बेटा तुमने, मगर क्या किया जाए, अरे जमाने का दस्तूर ही ये है। अच्छा अब आप क्यों परेशान हो रही हैं? अभी तो बहुत वक्त है सब में। शाम हो गई है, मैं ऊपर से कपड़े उतार कर आती हूँ, फिर आपको आकर चाय बना देती हूँ। ठीक है बेटा। आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? क्या करूं? कुछ भी ऐसा जिससे आपका हाथ खुल जाए। तुमने भेजा फरमाइशें बंद ना की ना, एक दिन जरूर मेरा हाथ खुल जाएगा तुम पे। ये जिंदगी ना दोबारा मिलेगी, ये जिंदगी ना दोबारा मिलेगी। बासी साहब, ये सैंपल्स अभी तक सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचे हैं। कल सुबह तक पहुंच जाएंगे सर। ठीक है, फिर अब ऐसा करना कि कल मेरी फाइनल मीटिंग पार्टी के साथ रखो। ओके सर। सर इस फाइल पे भी साइन कीजिएगा। जी। ये। थैंक यू। हाँ जी। यार वैसे ना तुम बहुत चीटर इंसान हो। क्या किया मैंने? यार हमने कहीं जाना था, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना था, कब से वेट कर रहा हूँ यार मैं। यार तुम देख ही रहे कितना ज्यादा काम था, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने थे, अगर मैं ना करता तो दो तीन काम रुक जाते। अब चलें? Pretty tired right now, अभी मेरा मूड भी नहीं हो रहा। Alright, तो फिर कल शाम को तुम चल रहे हो मेरे साथ? Sure. Just give me 2 minutes, मुझे एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने दो। मुझे बताओ कॉफी पियोगे? Yeah, sure, why? हेलो जी, एक कॉफी भिजवा दें। थैंक यू। तुम हंस रही हो, मुझे तो उस पागल की हरकत पे इतना गुस्सा आया था ना कि बस। फिर क्या, मुझे गुस्सा आने की देर थी। मैंने भी लड़कों से कहकर ऐसी पिटाई लगवाई ना उसकी, याद करेगा अब किसी लड़की को छेड़ने से पहले ना 2 दफा सोचेगा। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या मुझे क्या पता, मेरी तो बस आ गई थी, मैं तो बैठ के आ गई। तुम भी ना सहर बिल्कुल पागल हो, पता नहीं क्या करती रहती हो। मैंने तुमसे इतनी दफा कहा है ड्राइविंग सीख लो, अब बाकी गाड़ी यहाँ ऐसी खड़ी है, मेरे तो किसी काम की है नहीं। तुम ही ऑफिस चली जाया करो उसमें। नो वे, एक तो मुझे बिल्कुल भी रोड सेंस नहीं, गाड़ी चलाऊ ना तो लगता है अभी लगी कि अभी लगी। और फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, जिसे आप गाड़ी बोल रही है ना, वो एक बहुत बड़ा सा जहाज है। चुप कर जाओ तुम, खबरदार जो मेरे अब्बा की गाड़ी को कुछ भी कहा है। तो और क्या कहूँ, उफ़ अल्लाह, एक तो इतनी पुराने जमाने की गाड़ी, ऊपर से इतनी लंबी, टर्न करो तो लगता है जैसे कोई 18 व्हीलर चला रही हूँ मैं। तुम बाज नहीं आओगी ना? अच्छा प्लीज कुछ खाने को ही ला दो, बहुत भूख लग रही है। मैं भी लेकर आती हूँ, बैठो। सुने, आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? क्या करूं? कुछ भी ऐसा जिससे आपका हाथ खुल जाए। तुमने भेजा फरमाइशें बंद ना की ना, एक दिन जरूर मेरा हाथ खुल जाएगा तुम पे। अरे ऐसा कौन सा गजब हो गया जो मैंने पैसे मांग लिए? सहर बड़ी हो गई है, 10 चीजों की जरूरत होती है,
दफ्तर जाती है वो। बच्ची का नाम क्यों लेती हो? उस बिचारी की तो सारी तनख्वाह तुम रख लेती हो। वाह कमर जहाँ, तुम्हारा जवाब नहीं। हाँ तो वो सारे पैसे मैं उसके जहेज के लिए जमा कर रही हूँ। रहने दो रहने दो, जानता हूँ कितना जहेज जमा कर रही हो तुम उसका। फैशन मेकअप पर पैसे लुटाने से फुर्सत मिले तब ना। इसमें पैसे लुटाने वाली कौन सी बात है, ये पैसे मैं एक तरह से उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ। वो किस तरह? देखें, दफ्तर जाती है, उसको चार लोग देखते हैं, हर चीज का ख्याल रखना होता है, अब ढंग से तैयार होकर जाना भी तो जरूरी है। ये तो आप देखते नहीं कि बेटी जवान हो गई है। अरे उसको बाहर चार लोग देखेंगे, पसंद करेंगे तो तभी उसके लिए रिश्ता भेजेंगे ना। अगर लोग बाहर उसे देखकर पसंद नहीं करेंगे तो शादी कैसे होगी उसकी? और मैं नहीं चाहती कि तहजीब की तरह शहर के लिए भी रिश्तों के पीछे भागना पड़े हमें। अच्छा अच्छा कमरजा बेगम, ये है तुम्हारी इन्वेस्टमेंट? अरे वाह कमरजा, तुम तो बहुत बड़ी सरमायादार निकली। देख ले लाहौल वाला कुवत, तुम जैसी माएं होती हैं जो अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल खराब करती हैं। क्या डाल रही हो मेरी मासूम बच्ची के जहन में, हैं? ये सिखा रही हो तुम उसे? अरे बेवकूफ औरत, बच्चियों की शादियां तो नसीब से होती हैं, रिश्ते वालों के पीछे भागने से नहीं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। अब अभी तक घर पे ही हैं, ऑफिस नहीं गई? आज तो डायरेक्ट साइट विजिट पे जाना है मुझे। मम्मी अब साइट विजिट पे खुद क्यों जाते हैं, अब दावर साहब को भेज दिया करें ना, खुद जाएंगे तो थक जाएंगे। दावर साहब ने फर्स्ट विजिट कर लिया है लेकिन फाइनल डिसीजन की तो मुझे जाना पड़ेगा ना, अनलेस तुम चले जाओ सो दैट आई कैन रिलैक्स अ लिटिल। नो वे, इट्स द मोस्ट बोरिंग थिंग फॉर मी, यू नो इट। सो आई गेस आई हैव टू गो। तुम आज ऑफिस आओगे? आज नहीं, आज मेरे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं और फिर लेटर ऑन आमिर के साथ मेरी कुछ कमिटमेंट है, वी हैव टू गो समवेयर। ओके देन आई शैल गो। ओके ऑलराइट आई विल सी यू। रिश्ते वाली शाहिदा का फोन आया था, आज कुछ लोगों को हमारे घर लेकर आ रही है शाम को। कह रही थी कि लोग बहुत अच्छे हैं, अपना जाती कारोबार है और बहुत ही शरीफ लोग हैं। बेटा आज शाम को चाय का इहतमाम बहुत अच्छे तरीके से करना। जी। अरे चाची जान आप कब आए? आए ना, कहाँ क्यों खड़ी? अभी अभी आई, वो हलवा भिजवाया था ना आपने शहर के हाथ से, प्लेटें लाई थी। दीजिए मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे खबर जान खड़ी क्यों हो, आओ ना बैठो। हाँ हाँ लौकी की सब्जी बना रही हूँ आज। ये बताओ कि तुम्हारी बहन नूर जहाँ कैसी है? अरे भाभी बहुत बेहतर है, उस घर में खाने पीने की तो कमी है नहीं, जमींदार की बीवी है, नजला भी हो जाए तो पानी की तरह पैसा बहता है। चलो भाई माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाभी तहजीब के रिश्ते का क्या बना, मेरा मतलब कोई माकूल रिश्ता आपकी नजर से गुजरा? क्या बताऊं कमर जहां, पता नहीं क्या लिखा है मेरी बेटी के नसीब में, ना जाने क्यों लोग उसे पसंद किए बगैर ही चले जाते हैं। अरे कमर जहां पसंदीदगी का पैमाना तो सिर्फ जाहिरी चमक दमक ही रह गया, क्या वो लोग दिलों के अंदर छुपी हुई सच्चाई को नहीं पहचानते? पता नहीं क्यों लोगों को आंखों में मौजूद खलूस भी नजर नहीं आता।
मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, कम से कम बनावटी तो नहीं हूँ। और अम्मा मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, तो आप भी यकीन रखें। चाची जान की बातें सुनकर आप इस तरह परेशान मत हुआ करें। अभी वो रिश्ते वाली शाहिदा है ना, उसका फोन आया था, कह रही थी कि शाम को एक और लड़के वालों को लेकर आएगी, बस तुम दुआ करो ना मेरी तहजीब के लिए कि अल्लाह मियां उसके हक में बेहतर करे और कोई अच्छी बात बन जाए। भाभी बुरा ना माने, लेकिन मसला लड़के वालों का नहीं है, मसला तहजीब का है। क्या मतलब? देखिए भाभी, हर एक को अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है, सो आपको भी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है, लेकिन लड़के वाले उसको उन नजरों से नहीं देखते जिन नजरों से आप तहजीब को देखती हैं। आपने वो कहावत नहीं सुनी, जो चीज पहली नजर में अच्छी ना लगे वो दिल पर भी नहीं चढ़ती। कहाँ जा रही हो, बैठो तो। चाची जान वो नमाज कजा हो जाएगी। भाभी एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने। मैं भला तुम्हारी बात का क्यों बुरा मानूंगी? देखिए भाभी, एक ढंग सलीका होता है लड़कों वालों के सामने लड़की को पेश करने का, आप तो हद करती हैं, सर झाड़ मुंह फाड़ लड़की को सब्र शुक्र की मूरत बना के लड़कों वालों के सामने भेज देती। अरे सादगी का जमाना नहीं रहा। लेकिन मेरी तहजीब तो ऐसी ही है कमर जहां, से हमें खुदा पर भरोसा होना चाहिए। आपको जो दिल चाहे आप करें, मेरा तो काम था आपको मशवरा देना और अच्छा मशवरा देना, अब माना ना माना वो तो बिल्कुल आप ही की मर्जी। तुम अभी तक गई नहीं? जाहिर सी बात, अगर चली गई होती तो यहाँ बस स्टॉप पे नजर आती तुम्हें। मैं घर ही जा रहा था इसीलिए। तो फिर जाओ ना, यहाँ क्यों बाइक मोड़ के ले आए? अरे यार हर बात पे काट खाने को क्यों दौड़ती हो? वो तो मैं जा रहा था इसीलिए पूछ लिया। बस नहीं आई इसलिए। और रोज क्या मैं शॉफर ड्रिवन कार में घर जाती हूँ जो ऐसे फालतू सवाल पूछ रहे हो? आओ मत, मैं छोड़ दूँ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं यहाँ पे खड़ी होकर ना बस का इंतजार करना पसंद करूंगी, ना कि तुम्हारी फटीचर बाइक पे खड़े। अब जाओ भी यहाँ से, लोग देख रहे हैं, कोई ख्याल है तुम्हें या नहीं? शुक्र है अल्लाह। नमाज पढ़ ली बेटा? जी अम्मा। बहुत अच्छा किया जो वक्त के साथ ही नमाज अदा कर दी। अच्छा वो आज शाम में जरा अच्छे से तैयार हो जाना और कोई अच्छे से कपड़े पहन लेना। अम्मा आप पर कब से चची जान की बातों का असर होने लग गया? ठीक तो कहती है कमर जहां, वो कौन सा गलत कहती है? लोग बनावटी चीजों को पसंद करते हैं, लड़कियां बनाव सिंगार करती हैं और लोगों को ये सब कुछ पसंद आता है।
सादगी और सलीका शारी को तो लोग किसी खातिर में ही नहीं लाते। तो फिर अम्मा ऐसे बनावटी लोगों में हमारा क्या काम है? जमाने के साथ भी तो चलना पड़ता है, दुनियादारी है। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, कम से कम बनावटी तो नहीं हूँ। और अम्मा मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, तो आप भी यकीन रखें। चाची जान की बातें सुनकर आप इस तरह परेशान मत हुआ करें। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आज फिर देर कर दी। इतना आसान नहीं है ऑफिस से घर लौटना, घंटों बसों के धक्के खाने फिरते, और फिर ये इतनी लंबी हील्स, कभी कभी तो अजाब लगती है मुझे। दिल करता है यहां तो ये हील्स पहनना छोड़ दूं या ऑफिस जाने ही छोड़। ये ऊंची हील जो लोग पहनते हैं ना, वो स्मार्ट लगते हैं, और जो लड़कियां स्मार्ट लगती है ना, उनकी शादियां भी जल्दी होती हैं। एक तो मैं मुझे समझ नहीं आती, आपको मेरी शादी कितनी जल्दी क्यों है? सिर्फ 24 साल की तो हुई हूं मैं। सिर्फ 24 साल? अरे लड़कियों की उम्रें हाथ से निकलने देर नहीं लगती, पर अच्छे रिश्ते भी एक उम्र तक ही आते हैं। 26-27 साल के बाद तो जमाने के ठुकरावे उम्र रसीदा लोग ही मिलते हैं। अब दूरी क्यों जाती हो? बानो भाभी को देख लो, सादगी सादगी के चक्कर में उन्होंने तहजीब का क्या हाल बना रखा है। अब तुमसे 2 साल ही बड़ी है वो। हाँ 2 साल ही है बड़ी, और भाभी तवक्कल किए बैठी हैं। अरे भाई घर से जरा बाहर निकले, घर बैठे तो रिश्ते अच्छे आने से रहे ना। जब बाहर निकलता है इंसान लोगों से मेल झोल बढ़ाता है, लेकिन नहीं भाई, घर में अगर बेटी को ऐसा छुपा के रखेंगी तो खाक अच्छा रिश्ता मिलेगा उनको। अम्मी प्लीज बस कर दें, ताई अम्मा को क्यों बिला वजह बोल रही हैं आप? वाह बड़ी आई ताई अम्मा की सगी। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अम्मी ताई अम्मा का भी कोई कसूर नहीं, आपको पता है ना तहजीब को खुद ही जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। खैर भाई इन लोगों की तो बातें दुनिया से ही निराली हैं। अब तुम कहां चल दी? तहजीब से मिल। इस लड़की के तो कभी पांव टिकते ही नहीं घर में। अरे बेटा तैयार हो गई? वो शाहिदा का फोन आया था कि लड़के वाले निकल गए हमारी तरफ आने के लिए। जी अम्मा मैं तैयार हो चुकी हूँ। ये जिंदगी ना दोबारा मिलेगी, ये जिंदगी ना दोबारा मिलेगी। अरे आ गई तुम, कैसा रहा दिन ऑफिस में? हाँ सेम ओल्ड बोरिंग। मेरा बुढ़ा बॉस मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है यार, हर रोज कहता है लेट क्यों आई है। तो रोज लेट मत जाया करो ना। अब तैयार होने में इतना टाइम तो लग ही जाता है। और किसने कहा है कि ऑफिस इतना तैयार होकर जाओ? यार अब बंदा कहीं जाए तो एटलीस्ट प्रेजेंटेबल तो लगे। अच्छा खैर मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ। मैंने सुना है बड़े रिश्ते विश्ते आ रहे हैं आपके, ताईजान ने बताया मुझे। हाँ ये तो अम्मी का हर दूसरे दिन का काम है। अच्छा सुनो तुम थकी भी होगी, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं यार भूख नहीं है। अच्छा तुम बताओ कि कब आ रहे हैं वो लोग, मैं तुम्हें आके खुद अच्छा सा तैयार कर दूंगी। हाँ तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ देखने आ रहे हैं, शादी नहीं हो रही मेरी, खुद तैयार हो सकती हूँ मैं। हाँ हाँ तुम खुद से तैयार हो गई, तुम्हारा कुछ पता नहीं तुम इसी गुलिया में उठ के चली जाओ। नहीं कपड़े तो चेंज कर ही लूंगी एटलीस्ट। मैं आगे करती हूँ तुम्हें तैयार, कोई तुम खुद नहीं जा रही। तहजीब तैयार हो गई? ये क्या इतना ज्यादा, इधर बैठो मैं खुद तैयार करती हूँ, तुम इधर आओ। शहर में तैयार हो चुकी हूँ। मगर तहजीब देखो शहर, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, जिसे मुझे पसंद करना होगा ना वो ऐसे ही कर ले। उफ तुम भी ना तहजीब, मजाल है कि किसी की बात सुन जाओ, मैं बिल्कुल बहस नहीं कर रही हूँ।
जो तुम्हें करना होता है ना तुम वही करती हो। हाँ वैसे ये तो है। अरे बेटा तैयार हो गई? वो शाहिदा का फोन आया था कि लड़के वाले निकल गए हमारी तरफ आने के लिए। जी अम्मा मैं तैयार हो चुकी हूँ। जो चीज पहली नजर में अच्छी ना लगे वो दिल पर भी नहीं चढ़ती। मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं तायम। अरे बस यही सोच रही हूँ कि ये लड़की मेरी बात नहीं मानती, वरना तो जो कहूँ ना वैसा ही करती है। इस मामले में आकर जब बात करती हूँ तो कहती है कि जिसे भी पसंद करना है मेरी सादगी में इसी तरह से पसंद करे। अरे इसे कौन समझाए कि सादगी का जमाना नहीं रहा। मैं तो कह कहकर थक गई हूँ बेटा। तुम इससे बात करो शायद तुम्हारी बात मान ले। तायमा आपको क्या लग रहा है मैंने नहीं समझाया होगा इसे? लेकिन आप खुद सोचें, अगर वो इस मामले में आपकी बात नहीं मान रही तो मेरी बात क्या मानेगी? आप फिक्र नहीं करें तायमा, आप देखिएगा इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अच्छा अब आप यहाँ आराम से बैठे और मेहमानों का इंतजार करें, मैं देखूं उसको किचन में मेरी हेल्प की तो जरूरत नहीं है। कभी कभी कितना अजीब लगता है ना। क्या ये रोज रोज नए नए लोगों का आना, लड़के वालों के लिए नाश्ता बनाना, फिर ऐसे जाके उनके आगे सर झुका के बैठ जाना, मुझे तो सोच के ही बहुत अजीब लगता है। पता नहीं तुम कैसे कर लेती हो ये सब कुछ तहजीब। तो क्या तुम नहीं करने वाली ये सब कुछ? ना बाबा, इस मामले में ना मेरी सोच तुमसे बहुत मुख्तलिफ है। मैं अगर शादी करूंगी ना तो अपनी मर्जी से करूंगी। वैसे भी खुद से लड़का पसंद करना ये रंग बिरंगे लोगों के आगे ना हाजमिया लगवाने से बहुत बेहतर। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो चल रही हो ना मेरे साथ। मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? ये सारा सामान मैं अकेले लेकर जाऊंगी। अच्छा ऐसा करती हूँ मैं दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती हूँ, तुम्हें सारी चीजें हैंड ओवर करती रहूंगी ना। सहर वो और भी अजीब लगेगा, ऐसा लगेगा अंदर से कोई चुड़ैल मेरी मदद कर रही है। अच्छा बाबा तुम ये ट्रे ले जाओ फिर मैं चाय ले आऊंगी। जल्दी ले आना चाय ठंडी ना हो जाए। ये लीजिए तहजीब भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। माशाल्लाह बहुत ही सादा और परहेजगार बच्ची है, सारे घर का काम अकेले ही करती है। बस यूं समझ लीजिए कि इसने सारी जिम्मेदारी संभाल रखी है। भाई एक बात हमें समझ नहीं आई तहजीब बेटा, आखिर डबल मास्टर करने के बाद तुम जॉब क्यों नहीं करती? आंटी मुझे नहीं लगता कि तालीम का ताल्लुक जॉब से होता है, और वैसे भी पैसा हर जरूरत का हल नहीं होता। ये लड़की कौन है? ये मेरी भतीजी है सहर, और तहजीब की सबसे अच्छी सहेली। दोनों में बिल्कुल बहनों जैसा प्यार है। माशाल्लाह। अरे आप लीजिए ना। ये कबाब आपने बनाए बेटा? बहुत लजीज है। नहीं नहीं मैंने नहीं बनाए, ये तहजीब ने बनाए। और तुम क्या करती हो? मैं सिर्फ जॉब करती हूँ और बस, ये घर के काम खाने पकाने मुझे कुछ नहीं आता इनमें से। हाँ तुम्हें देख के लगता है। माशाल्लाह दोनों बच्चियां बहुत अच्छी हैं। I'm sorry, I don't remember. In that case, let me introduce myself. My name is Nisha Isfahani. Mr. Abed Isfahani, mere father ka naam hai, and hum puri country mein hotel chains own karte hain. That's wonderful. Beta, agar kuch kaho tumse to manogi. Lekin amma, aisi kaun si baat hai? Nahi, pehle vaada karo.
मैं जो कहूंगी वो तुम्हें करना होगा। अच्छा चले, मैं वादा करती हूँ मैं जरूर कोशिश करूंगी। तो फिर ऐसा करो ना बेटा कि जल्दी से कोई नौकरी तलाश करें। नौकरी?